वन रक्षक भर्ती के लिए उदयपुर पहुंचे अभ्यर्थियों के साथ जिला प्रशासन द्वारा भले ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया हो, लेकिन उदयपुर की मीडिया ने उनका साथ दिया और अब वे सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाएंगे। करीब 5 घंटे तक पहाड़ी बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतजार भी किया और इसी बीच पुलिस ने बदसलूकी भी की। ये सभी बातें उदयपुर के लिए अच्छी नहीं है। इन सभी बातों से उदयपुर की छवि बिगड़ रही थी। उदयपुर में बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के साथ जो रवैया अपनाया गया वह कहीं न कहीं शहर की बदनामी भी कर सकता था, लेकिन पल पल राजस्थान द्वारा इनकी परेशानी को जिला प्रशासन तक पहुंचाया गया तो जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए पहाड़ी बस स्टैंड पर रोडवेज बस भेज दी। उदयपुर से बस में बैठते वक्त सभी अभ्यर्थी भावुक हो गए और मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देने लगे। बता दें कि परिवहन के लिए DTO कल्पना शर्मा जिम्मेदार थी, तो वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा की गई बदसलूकी पर जिले के कप्तान विकास शर्मा और CTASP चंद्रशील ठाकुर को भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आपको बस मिल गई, धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद।